नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सीरिया यानी शाम के मुसलमानों के नाम, साहिलों पर दम तोड़ने वाले नन्हे बच्चों की लावारिस लाशों के नाम, जिंदा दरगोर किए जाने वाले हजारों बल्कि लाखों सीरिया के मुसलमानों के नाम। ख़वातीन हज़रात, इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान का शहरी हूँ, इसलिए दुनिया के किसी भी खित्ते में जब किसी इंसान पर जुल्म ढाया जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, शैतानी ताकतें मुसलसल हमारे मुंह पर तमाचे मार रही हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया फैशन शो की तैयारियों में मसरूफ और दुबई के शेख मंदिरों की तामीर और पूजा पाठ का हिस्सा बन रहे हैं। यकीनन ये क़यामत की निशानी है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक कायम न होगी जब तक मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन से न मिल जाए और जब तक मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की इबादत न करें। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, क्या वो वक्त आन पहुंचा है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी कि करीब है कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। तो एक कहने वाले ने कहा, क्या हम इस वक्त तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि तुम इस वक्त तादाद में ज्यादा होंगे, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहम डाल देगा। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहम क्या चीज है? आपने फरमाया, ये दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर है। ख़वातीन हज़रात, मुल्के शाम यानी सीरिया से मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। दोस्तों, इस हदीसे मुबारका के लिहाज से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्के शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया हालिया दिनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्के शाम से मुतालिक इसराइल, रूस, ईरान और अमरीका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दजाल एक मसीहा है, इस वजह से ये लोग दजाल के इंतजाम मुकम्मल कर रहे हैं। इस मकसद के लिए इन्हें अरब कंट्रीज में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्के शाम पर यहूदो निसारा कब्जा करना चाहते हैं। और दोस्तों, ये इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के जहूर से कबल होकर रहेगा। चुनाचे बयां होता है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगे होंगी और शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमा किराम से सुना है कि सऊदी अरेबिया, मिस्र और तुर्की भी बाकी नहीं रहेंगे, हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे और उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। खलीजी ममालिक यानी सऊदी अरेबिया वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत न रहेगी। खैबर जो सऊदी अरेबिया में मदीनातुल मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है, इसके करीब तक यहूदो निसारा पहुंच जाएंगे और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे खुचे मुसलमान मदीनातुल मुनव्वरा पहुंच जाएंगे और इस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा में होंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ दरिया तिबरिया भी बड़ी तेजी के साथ खुश्क हो रहा है। इस दरिया के बारे में कहा जाता है कि ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जहूर से कबल खुश्क हो जाएगा। इसलिए जब मशरक वस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं, तो साफ नजर आता है कि दुनिया होलनाकियों की तरफ बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और यूरोप में भी आलमी जंग की बातें हो रही हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, यहाँ हिंदो पाक की रंजिशें और कश्मकश के बढ़ते हुए हालात से लगता है कि अब हालात गजवा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का एक लश्कर वक्त आखिर के नजदीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह इस लश्कर को फतह नसीब करेगा यहाँ तक के वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह इस लश्कर के तमाम गुनाह माफ कर देगा, फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी इस लश्कर का हिस्सा बनूंगा और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं भी जहन्नम की आग से आजाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके इन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूं। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया कि बहुत मुश्किल है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, आने वाले द्वार बड़े पुरफितन नजर आते हैं और इससे मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर आएगा जिसमें फितने ऐसे तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। ख़वातीन हज़रात, अपनी नस्लों को अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र फरमाएं। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से, रात देर तक जागने, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से और नमाजों को तर्क करने से रोकिए, वरना हम सबके लिए आजमाइश का मुकाबला बहुत दुश्वार होगा।
دوستو چلتے چلتے ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی ایسی نایاب ویڈیو، کال، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اس میں وہ مشکل آپ کا ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ذرا سوچئے کہ آپ کی ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو ہمارا مذہب اسلام، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسلام میں ظلم دیکھ کر ظلم سہنا بھی ظلم ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا، دوستوں، رشتے داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔